भागे नहीं जा रहे। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं, बेच के दे दूं। मांग रहे थे कि आप 300 रुपया क्विंटल दे दीजिए, मैं आपका धान चढ़ा देता हूँ। 6-7 दिन हो गए बारदाने नहीं, टोल बंद पड़ी है। 400 रुपए क्विंटल के हिसाब से एक ट्रॉली के 10-14 हजार मांग रहे हैं एक ट्रॉली के, कहाँ से दे दूं। 30 हजार मांग रहा था, उसने 25 दिया, तुरंत उठा के उनका तोल के सीधा भेज दिया मिल में। तरह तरह के बहाने, कहीं बोरा ना होना, कहीं कुछ ना होना, कहीं छुट्टी बता देना, इस तरीके से बहकाया जा रहा है। उनका ही परी है मट्टी की तेलदारी करे और कोई चारा ना है। क्रय केंद्र नहीं ले रहे हैं तो किसान कहां मर जाएगा। में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त धान की बंपर खरीद चल रही है, आंकड़े लगातार ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो अपनी आबिती उतार रहे हैं। उनका कहना है कि उनको धान तौलाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं अभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में हूं और यहां पलिया जो तहसील है उसके जो किसान हैं हमारे साथ, उनकी जो आबिती है, जो उनकी कहानी है, वो बताती है कि आंकड़े क्या कहते हैं और हकीकत में क्या हो रहा है। सर आप ना पर्ची दीजिए, बताइए क्या दिक्कत है आपके साथ, क्यों आप यहाँ से धान लेके अपना वापस जा रहे हैं। सर हमको हो गए 20 दिन आज यहाँ पड़े के, ठीक है जी, रात पूरे दिन यहाँ रहते हैं। गैया बहुत परेशान करती है इनको, तो पहले गीला था कहते सुखाया हमने 5-6 दिन यहाँ पूरे में बिछा के, फिर उसके बाद इन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद में फिर इनके कहते बारदाना नहीं है, तुम्हारा नंबर नहीं अभी है, फिर ये लोग कहते हैं हमारा ये जो धान जो तुला हुआ है ये यहाँ से उठ नहीं रहा है, फैक्ट्री वाले खा नहीं रहे हैं। तो वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री वाले 300 रुपया क्विंटल मांग रहे हैं प्रति क्विंटल, तो हम लोग उनसे काटना चाहते हैं लोग, तो हम लोग कटवाने में इच्छु नहीं है। तो कभी बारदाना नहीं, अब 6-7 दिन हो गए बारदाने नहीं, टोल बंद पड़ी है, तो अब मजबूरी में आ गए, हमारे रिश्तेदारी में शादी है, हमको पंजाब जाना है और कोई हमारे यहाँ है नहीं, अब भर के लेके जा रहे हैं, देखते हैं घर रोकेंगे नहीं, हजार खान में बेचेंगे, क्या किया जाएगा। बुधवार का धान मेरा तुला हुआ था 160 क्विंटल के करीब और उन्होंने 82 क्विंटल 80 किलो धान उन्होंने चढ़ाया था अपने कांटे पर अपने रजिस्टर पर, और उसके बावजूद उन्होंने 178 क्विंटल 80 किलो धान नहीं चढ़ा रहे थे। जो इनके साथ ठेकेदार हैं वहाँ PCF बल्कि वहाँ पर, वो मुझसे 300 रुपये पर क्विंटल मांग रहे थे कि आप 300 रुपये क्विंटल दे दीजिए, मैं आपका धान चढ़ा देता हूँ। जो उनके ठेकेदार हैं, जिनके ठेकेदार का नाम क्या था, नाम कुछ पता है, विजय शुक्ला। अच्छा। और वो महावीर धर्मकांटा के वो वहाँ उनके हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आप 300 रुपये क्विंटल दीजिए तो आपका धान जो 80 क्विंटल है फिर चढ़ेगा। वहाँ ट्रालियाँ जो खड़ी थी पहले के जो किसान बैठे हैं उनसे पैसा मांगा, उन लोगों ने नहीं दिया, जो ट्रालियाँ डायरेक्ट आई उनसे वो 30 हजार मांग रहा था, उसने 25 दिया, तुरंत उठा के उनका तोल के सीधा भेज दिया मिल में। और यहाँ किसी को नहीं पूछा बगैर, यहाँ के लोग कहते कि हम नहीं पैसा देना, कुछ दे रहे हैं तो कुछ कह रहे नहीं दे रहे, जो नहीं दे रहे उनकी ढेरियाँ खराब हो रही पड़ी सब, कब की 1 महीना हो गया। इन्होंने किसान की ऐसी तैसी कर दी, वो रिश्वत मांगते हैं 400 रुपए क्विंटल की, घर से खाना नहीं आ रहा, होटल पे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जाऊंगा मैं। जो खरीद केंद्र का जो संचालक है, जो अधीक्षक, उससे अभी किसानों की झड़प हुई है, हम लोग साथ में थे, दोनों की बातें सुनी है। तो अधीक्षक है जो प्रभारी है यहाँ के, जो केंद्र प्रभारी है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनका माल जो है मंडी वाले नहीं उठा रहे हैं, इसलिए वो अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, किसान मजबूर हैं, वो कह रहे हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत है या फिर उनका किसी तरह धान खरीदा जाए, और नहीं तो फिर जो हो रहा है ये कि कुछ किसान यहाँ रुके हुए हैं और कुछ इनकी तरह के जो है किसान अपना माल मजबूरी में लेके वापस जा रहे हैं। हमारे मिल के यहाँ जो मिल नहीं जो हमारा धान उठा रहा है वहाँ से जो उनकी उसकी कटौती वगैरह है वो मेरी समझ से बाहर है। हम किसानों का धान इसलिए नहीं उठा रहे कि हम वहाँ जब हमारा बिकेगा नहीं तो हम इसको रखे अपने घर में तो रखेंगे नहीं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं, बेच के दे दूं। नहीं आप गाली गलौज मत करिए, आराम से मैं बेच के नहीं दे पाऊंगा, आराम से मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरा धान का जो लॉस होगा मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो भारत में धान की जिन राज्यों में खरीद हो रही है, पंजाब हरियाणा को छोड़ करके बाकी जो राज्य हैं वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके धान की जो खरीद है वो मुश्किलों में है, किसान लगातार और खासकर उसमें जो बड़ी पैदावार करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ को लेकर किसान लगातार कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, किसान लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के बाकी अधिकारियों तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ तक कि एक जिले के विधायक को, जो मौजूदा विधायक है उसको धरना तक देना पड़ा, ये हाल है धान की खरीद को लेकर के। जब तक तौल प्रारंभ यहाँ नहीं हो जाएगी तीनों सेंटरों पर, किसानों का शोषणबद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। गांव कनेक्शन की टीम कोशिश कर रही है कि इसको देखा जाए कि किसान क्या कह रहा है, जो सेंटर इंचार्ज है उनकी क्या दिक्कतें हैं, सरकार की कहां कहां पे मुसीबतें आ रही हैं और किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं हम भी क्या हो रहा है, अभी तो कुछ निकालने की कोशिश करते हैं।
बिना ट्राली आए एक मील वाले के साठ घाट करके और मैनानी सुबह बोझ के कुछ किसानों का धान चढ़ा लिया है। जब इनके पास कोई किसान धान तुलाने जाता है तो ये बताते हैं बोरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और रात में ये तौल कर लाते हैं और ट्रालियां वहां पर उतार देते हैं। तौल जाएगा बता रहे हैं, लेकिन तौल नहीं हो रहे तो तौल कहां से जाएगा? कई दिन से 15 दिन से पढ़ा रहे हैं इसे। 300 रुपया ले रहे हैं क्विंटल के पीछे, इसीलिए किसानों का नहीं तौला जा रहा है। नीरज है उनसे हमने लिखवा के लाए तो उनके धान तुम्हारा सही है वो, और जो लोग फेर फेल कर दें कहा मतलब इनकी मिली भगत सब पैसा तो कहा मतलब हाँ उनने फेल करे और जो पैसा दे दे तो बाको काम हो जाए, जो पैसा ना दे तो बाको काम ना होते है। यहाँ पे पलिया जो मंडी है यहाँ पे एक मंडी समिति को दूसरा जो है पीसेप का लगा हुआ है, जो खरीद करने वाले हैं उनके सामने क्या दिक्कत है? अब मैंने किसान की दिक्कत आपको बताई थी, अब मैं आपको जो खरीद केंद्र जो है उनसे बात करता हूँ कि वो लोग उनके सामने क्या दिक्कत है। आप लोग अभी एज ए खरीद जो संचालक हैं उनके नाते क्या किन दिक्कतों का सामना करें, आपके सामने क्या मुसीबत है? सबसे पहली दिक्कत तो आती है कि हम लोगों की पोस्टिंग जैसे कर दी गई उसी समय परिवहन हैंडलिंग जो ठेकेदार होता है उसको भी नियुक्त होने चाहिए जी, जो हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तीसरी दिक्कत ये आती है कि जैसे धान खरीद में मानक हमें बताए जाते हैं, हमको दो मानक तो विशेष रूप से मालूम है, एक तो धान में नमी 70% से कम होनी चाहिए, दूसरा धान साफ सुथरा होना चाहिए। सेंटर पर जो भी धान आया हमारे पास उसमें हम लोग नमी मापक यंत्र है उससे माप लेते हैं और धान में पंखा वगैरह लगवा के उसे साफ करा देते हैं। अभी जब इतना खरीद हो गई और हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट जो ठेकेदार था वो नहीं आया, 1 तारीख को आया, अभी 1 तारीख को जब हम लोगों ने ये गाड़ियाँ भेजी तो मिलर ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि धान मानक के अनुरूप नहीं। उसी के लिए अब ये अच्छा जो जो मिलर्स हैं जैसा मुझे अभी कुछ देर पहले बता रहे थे मोहित नदी का जो मुझे पहले बता रहे थे कि इनके पास जो करीब 6 लाख रुपए धान जिन्होंने खरीद करके जो मिल को भेजा था उसने रिजेक्ट कर दिया है, वो अब इनके मत्थे पे है। इनका कहना है कि वो धान जो है मानक के अनुरूप नहीं था और अब वो कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। किसान जो है गुरमेल सिंह को पलिया जो कला मंदी है वहाँ पे आए हुए हैं और मैं भी एक खरीद सेंटर पे हूँ और हम समझते हैं उनके साथ जो कागज हाथ में है और सेंटर वाले क्या कहते हैं, क्या दिक्कत क्या है उनके साथ में सर? ये जो सेंटर आप समझ गए मैं क्या चाहूँ, आप कागज आपके हाथ में आप मुझे ये बता दें इसमें क्या है, ये क्या ये सेंटर जनरेट हुआ है, क्या ये किसान सही मायने लेकर के आया कि नहीं, क्या ये अभी समझ नहीं पाए हैं बात को? ये रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया तो ऑनलाइन टोकन व्यवस्था भी थी। हाँ हाँ, तो जिन लोगों को जानकारी थी उन्होंने अलग अलग स्थानों से अपने टोकन निकाले, तो ये सबसे पलिया मंडी के मेरे पास टोकन लिस्ट है यहाँ से, ये 6 तारीख से निकली है और कब तक की है? और ये हमारे पास 9 दिसंबर तक की है, उसके बाद प्रिंट आउट मुझे नहीं मिल पाया। अब हमारे पास जैसे 9 दिसंबर तक है तो हमारे जो भी टोकन वाले हैं वो अपने टोकन की डेट पे आते हैं, मैं उनकी तौल कर देता हूँ डेट के हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम अगर बीच में अपनी इस टोकन लिस्ट को ब्रेक करता हूँ तो जो टोकन वाला है उसको ना उसको जाहिर सी बात है वो बोलेगा भाई, और हमारे यहाँ अभी तक सब टोकन सिस्टम के हिसाब से ही चलता तो है। ये इनको मतलब नीतिगत रूप में इनके लिए क्या सलाह है, इनको क्या करना चाहिए? जो भी सेंटर पे ये व्यवस्था ना हो टोकन वाली हाँ वहाँ पे डायरेक्ट जाके तुलवा लें। कोई भी मिल वाला ऐसा नहीं है, जितना भी धान जहाँ से भी भेजा जा रहा है अब तक एक एक दाना उतारा जा रहा है, उसका कूट के हम लोग चावल भेज रहे हैं, बल्कि हमारा चावल FCE वाले फेल कर रहे हैं। हमने जीम को भी कहा है कि जितना उत्पीड़न मिल वाले का हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, पिछले सालों की तरह जैसे लखीमपुर में, शाहजहानपुर में, मुरादाबाद में, रामपुर में चावल का उतार बढ़िया हो रहा है, ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में भी होना चाहिए, पूरमपुर में होना चाहिए। जबकि इस समय हमारे सारे मिल वाले जैसे हमने 24 ट्रक भेजे हैं तो 12 ट्रक वापस आ रहे हैं, फेल कर दे रहे हैं, क्यों? इसमें जो ठेकेदार हैं ज़्यादातर इसमें माफिया इन्वॉल्व है और वो वहाँ पर 200-300 रुपये लेके उल्टे सीधे धान सब खरीद हो रही है। ये अधिकारियों ने परसों भी 4 आदमी पीलीभीत पूरमपुर में पकड़े हैं और 4-5 आदमी उन्होंने पीलीभीत में उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की है। हम लोगों ने लगभग 8 FIR के इन प्रभारियों के खिलाफ कराई है, कुछ राइस मिल्स की जहां संलिप्तता पाई गई उस राइस मिल्स को ब्लैकलिस्ट भी करा है, उनके खिलाफ FIR कराई गई है, उनके चरित्र और हैसियत प्रमाण पत्र कैंसिल करे गए हैं, लगातार राइस मिल्स की भी चेकिंग कराई जा रही है कि वहां पे है
किसी अन्य तरीके से है धान या धान के एकत्रण ना हो, और ये देखा जा रहा है कि नियम के हिसाब से उनके द्वारा सीएमआर एफसीआई को भेजा जाए। प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता है कि छोटा किसान, लघु सीमांत किसान, उसका धान का क्रय बिल्कुल प्राथमिकता पे हो और उसको एमएसपी पे ही लिया जाए, इसको देखते हुए सभी केंद्रों पे एक व्यवस्था बनाई गई है कि यदि छोटा किसान वहाँ पे आता है तो प्राथमिकता पे पहले उसके धान के तौल होनी चाहिए।